दिलवालों की दिल्ली आजकल बढ़ती महंगाई की चपेट में है। दिल्ली के लिए खास कहावत मशहूर रही है कि लाख तूफान आने पर भी दिल्ली की रफ्तार को ब्रेक नहीं लगता। पर आम आदमी की जेब पर पड़ रही भारी मार ने न सिर्फ दिल्ली की रफ्तार को कम किया है बल्कि मध्यम वर्गीय लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। खाने पीने के लिहाज से देखा जाए तो पिछले एक साल में अन्य महानगरों के थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो दिल्ली ने अपनी महंगाई का ग्राफ ऊंचा ही किया है। महंगी होती दिल्ली ने न सिर्फ कहावत में आटे दाल का भाव बता दिया है बल्कि असल में भी यहाँ पर चावल, दाल, मूंगफली, सरसों का तेल और सब्जियों समेत अन्य चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। अब जरा थोक मूल्य सूचकांक के इन आंकड़ों पर नजर डालें जो बताते हैं कि प्याज, गेहूं, चावल और दूध सबसे महंगे साबित हुए हैं। चुनावी बयान आते ही जहां महंगाई को लेकर वादों और दावों का पुलिंदा बांधा जाता है, वहीं असल मौका आने पर इन दावों की हवा निकलते भी सबने देखी है। सच पूछें तो महंगाई के इन आसमान छूते आंकड़ों के ऊंचे होते ग्राफ का सिलसिला बना हुआ है और अगर आने वाले दिनों में गड़बड़ मानसून की वजह से पैदावार कम हुई तो ये सिलसिला यूं ही बदस्तूर बना ही रहेगा। दरअसल दालों के दाम बढ़ने की मुख्य वजह कम पैदावार ही होती है। इसका सीधा नुकसान एक आम आदमी और खासकर किसानों को ही उठाना पड़ता है। तो अब दिल वालों की दिल्ली महंगाई की चक्की में पिसने को तैयार है और साथ ही साथ पीसने को तैयार है एक आम आदमी की जिंदगी। सहयोगी चंद्रशेखर के साथ अनिल शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।